नमस्कार, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। बेरोजगारी की फौज बढ़ती जा रही है। कईयों के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीना बहुत अधिक मुश्किल है। कमाई इतनी कम है कि ढंग का जीवन नहीं जिया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी पता नहीं कहां से मंदिर मस्जिद का मुद्दा अचानक से उठ खड़ा होता है। अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं CSDS के एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक और सामाजिक मामलों के जानकार प्रोफेसर हिलाल हैं। तो सर, आपसे पहला सवाल यही होगा कि हमारी रोजाना की परेशानियां एक तरफ हैं और अचानक से पता नहीं क्यों ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा खड़ा हो जाता है। क्या वाकई जमीन पर कुछ ऐसा चल रहा है या मतलब कहीं से आ जाता है, पता नहीं चलता है? नहीं, देखिए ये बड़ा अहम सवाल है और इसको जानने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसको राजनीति के ऊपर आरोपित करके अपने आप को पीछे कर लें कि ये सब राजनीतिक खेल है। और अक्सर ये सुनने में आता है कि ये जो राजनेता हैं इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन दूसरा तरीका जो है, जो मुझे लगता है कि ज्यादा सही तरीका है, वो ये है कि हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर ये वाकई में राजनेताओं का खेल है तो ये खेला कैसे जाता है। आखिर क्या कारण है कि कुछ मुद्दे, जो अहम मुद्दे हमारी और सबकी नजर में, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बात ना होकर एक कुछ ऐसे मुद्दों पर बात होनी शुरू हो जाती है जो कि हमारी पहचान से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और पहचान की जब भी बात आती है तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में केवल एक तरह के लोग ना कभी रहे थे और शायद ना कभी रहेंगे। अब जब भी सवाल ऐसा होता है कि भारत विविधताओं का देश है, तो विविधताओं को देखने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ये कहें कि हम सब लोग अलग अलग तरह से रहते हैं और इसी वजह से हमारे बीच में एकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये कहें कि हम सभी लोग जो हैं वो आपस में मिलकर नहीं रह सकते और जब भी विविधता होगी तो द्वंद होगा। ये कॉलोनियल या जो औपनिवेशिक राज्य था वो अक्सर ये कहा करता था कि भारत जो है उसकी विविधता उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ये कहता है कि हमारी जो विविधता है वो हमारी सशक्तता है। और इसीलिए हमारा संविधान जो है विविधता में एकता की बात करता है। अलग अलग तरह के लोग साथ रह सकते हैं और वही हमें एक राष्ट्र बनाते हैं। अब जब ये बात आती है कि हम राष्ट्र बन गए, तो सवाल ये होता है जिसको कहा जाता है राजनीतिक वर्ग। मैं राजनेता शब्द इस्तेमाल ना करके राजनीतिक वर्ग इस्तेमाल करता हूँ। राजनीतिक वर्ग को अगर हम 1991 से देखें, 1991-92 से, कि जब से राज्य ने अपने आप को लोक कल्याण के कामों से पीछे खींचना शुरू किया, तब से राज्य का चरित्र बदल गया और राज्य के नए चरित्र में राज्य ने अपने आप को बिचौलिए की हैसियत से रखा हुआ है। और वो बिचौलिए की हैसियत तभी कायम रह सकती है जबकि राज्य ये कहे कहीं ना कहीं कोई झगड़ा है, कहीं ना कहीं दो या दो से ज्यादा ग्रुप या समूह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। तो राजनीतिक वर्ग ने अपने आप को बिचौलिया साबित कर दिया है और इसीलिए उसकी अपनी वैधता के लिए जरूरी है कि कुछ न कुछ ऐसा विवादास्पद पूर्ण चलता रहे। अब आज तो हम ये सारा आरोप मंड देंगे ज्ञानवापी का बीजेपी पर, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और 1986-87 के समय में देखें, तब आपको ये नहीं लगेगा कि दरअसल बाबरी मस्जिद का पूरा मामला तो दरअसल कांग्रेस का ही खेल था। और उस कांग्रेस के खेल को केवल वो 86-87 तक नहीं चला, वो 91-92 तक भी चला। तो राज्य के संकट, जब भी राज्य अपने आप को संकट की स्थिति में पाता है, तो विविधताओं को संघर्षों में बदल दिया जाता है। और इसीलिए, और राज्य क्योंकि अपने आप को बिचौलिया बांध के चलता है, तो उसकी वैधता बरकरार रहती है। तो राजनीति जो ये कहावत है कि भाई राजनेता अपने आप कैसे, ये नया मुद्दा कैसे बन जाता है, इसमें कहीं ना कहीं एक रुकता होती है पूरी पूरी पॉलिटिकल क्लास की। जो पूरा राजनीतिक वर्ग है वो कहीं ना कहीं पर एकमत होता है कि आइए नए खेल को नए सिरे से खेलें। और ज्ञानवापी का मुद्दा मुझे लगता है उसका सबसे सटीक उदाहरण है। तो सर, ये ज्ञानवापी का जो पूरा मामला है, ये विवाद क्या है? हिंदू पक्ष की तरफ से क्या मांग है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या मांग है और अदालत किस तरीके से चल रही है? अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये जो है, अगर इसको हिंदू और मुस्लिम पक्ष ना कहा जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। ये हमें याद रखना चाहिए कि भारत
जैसे मैंने पहले भी कहा कि विविधताओं का देश है, और जहां दो या दो से ज्यादा समुदाय के लोग रहेंगे वहां पर यह संभव है कि कुछ स्थानों को लेकर झगड़ा हो, यह नेचुरल है। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल झगड़े या केवल विवाद हमारे ही देश में होते हैं। दरअसल एक भी इसका कारण भी जो यूरोपीय दृष्टि है हमारी वो है। ये मुझे कई बार बहुत हास्यास्पद सी बात लगती है कि जब भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक तरफ तो यूरोप का विरोध करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो जिस नजर से हिंदुस्तान को देखते हैं वो हिंदुस्तानी नजर नहीं है, वो भी यूरोपीय नजर है। यूरोप ने अपने जो शासनकाल भारत में ब्रिटिश रहा है 190 साल का, उसमें उसने हमें घोल घोल कर ये पिला दिया कि जो हमारा मध्यकाल था वो केवल झगड़ों पर आधारित था। लेकिन झगड़े को अगर हम झगड़े को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, एक नजरिए यह हो सकता है कि आप में और मुझ में एक झगड़ा हुआ, एक जगह को लेकर झगड़ा, तो हम और आप उस झगड़े को वो केवल ए और बी के बीच का झगड़ा है। लेकिन अगर मैं उसको आधुनिक अदालत में ले जाऊंगा तो उसका स्कोप बढ़ जाएगा, और अगर उसमें हिंदू और मुसलमान आ जाएंगे तो ये झगड़ा इस्लाम और हिंदुइज्म का हो जाएगा, और हम फिर उसको छोटा झगड़ा नहीं कहेंगे, हम उसे सभ्यताओं की लड़ाई कहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है, इसीलिए पूरी भूमिका बांधने का मेरा मकसद केवल यही है कि आखिर ज्ञानवापी का जो मामला है उसको कैसे देखा जाए। देखिए, बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी में फर्क है। फर्क ये है कि बाबरी मस्जिद में 1949 में जब मूर्तियां रखी गई और उसको सीज कर दिया गया तो मूर्तियां वहां से हटाई नहीं गई थी। ज्ञानवापी में जो पहले विवाद था, जो 1936-37 का विवाद है, वो एक मैदान को लेकर है। एक मंदिर है, एक मस्जिद है और बीच में एक मैदान है जिसमें और बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, उसको लेकर एक विवाद है। लेकिन 1991 में जैसे ही जो राम जन्मभूमि का मामला सशक्त हुआ और जैसे ही राम आंदोलन के साथ साथ ये बात कही जाने लगी कि केवल मामला राम मंदिर पर नहीं रुकेगा, अयोध्या वाले मामले पर नहीं रुकेगा, वो ज्यादा बड़ा भी जाएगा, तब ये चीज जो है, जो संघ का एक काम करने का तरीका है वो ये है कि वो अपने तर्कों को केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रखकर नहीं देखते हैं या अपनी लड़ाई को केवल राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ते हैं, वो उसमें कानूनी पक्ष भी ढूंढ लेते हैं। यही चीज जो है 1989 में हुई, जबकि रामलला विराजमान करके एक पिटीशन दायर की गई और वीएचपी के लोग जो थे वो पार्टी बन गए उस विवाद के अंदर, जो कि बेहद स्थानीय विवाद था। तकरीबन यही स्थिति जो है वो 1991 के अंदर जो लॉ सूट डाला गया, जो मुकदमा दायर किया गया, उसके अंदर भी यही कहा गया कि यहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर के में पूजा की इजाजत दी जाए। तो जो पहले विवाद था वो एक मैदान को लेकर था, मंदिर और मस्जिद के बीच के अंदर जो मैदान है। अब जो विवाद है वो मस्जिद के अंदर का विवाद है, और ये अगर हम देखें तो ये बिल्कुल जिसे ऐसा लगता है कि जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का रेप्लिका है, ऐसा लगता है कि उसको दोबारा से दोहराए जाने की कोशिश है। किस तरह से है कि अगर हम देखें कि राम चबूतरा 1885 में एक झगड़ा हुआ कि जो एक जगह थी मस्जिद के कंपाउंड के अंदर ही एक जगह थी जिसका नाम था राम चबूतरा अयोध्या। तो लोग मुसलमान जो थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और राम चबूतरा में हिंदू लोग पूजा करते थे। ये चीज चल रही थी, वहां पर जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि मैं राम चबूतरा के ऊपर एक छत डालना चाहता हूँ। उनका कोई ये नहीं था कि हम बाबरी मस्जिद लेंगे एटसेट्रा। तो 1885 से 1949 तक ये कोई मत ही नहीं है कि जो जहां पर नमाज हो रही है वो हिस्सा मंदिर का है, ऐसी कोई बात नहीं है। राम चबूतरे को लेकर लड़ाई है, ठीक है, लेकिन आगे आगे हम देखते हैं कि जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है वहां पर मूर्तियां रख दी जाती हैं, जब मस्जिद को सीज किया जाता है वहां से मूर्तियां नहीं हटाई जाती हैं, इसीलिए लिमिटेशन एक्ट की वजह से वो वहां पर उनको भोग की इजाजत 1954 में दे दी जाती है, और इस तरह से एक लेजिटिमेसी जो है मूर्ति की मस्जिद के अंदर मूर्ति की बन जाती है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे राम मंदिर मुकदमा और आंदोलन के जमाने में जो सबसे अहम जगह थी जिसको कि अयोध्या के लोग राम चबूतरा कहा करते थे, जिसमें वो क्लेम करते थे कि राम का जन्म स्थान दरअसल ये चबूतरा है, उसकी बात सब भूल गए, और जो मंदिर अब बन रहा है उसमें भी राम चबूतरे का कोई स्थान नहीं है। अब अगर इसको ज्ञानवापी के संदर्भ में देखें तो तकरीबन यही बात दोहराई जा रही है। पहले मुद्दा मैदान का था, अब वो मुद्दा अंदर के हिस्से का है। अब इसका इस विवाद को जैसे ही अब कोर्ट, जब कोर्ट में ये बात गई तो जो दो तर्क दिए गए हैं उन लोगों ने जो मंदिर की बात करते हैं, देखिए मैं इसमें हिंदू और मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि स्थानीय मुद्दा है।
दो ग्रुपों के बीच में दो ऐसी कमेटियां हैं, एक मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है और एक जो व्यास परिवार है, जिन जिनके जिन जो कि भगवान विश्वनाथ के साथी के रूप में इस मुकदमे में पेश हो रहे हैं, ये दो एंटिटीज हैं। इनको हिंदू या मुसलमान के संदर्भ में नहीं नहीं बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे हर जगह होता है कि क्या ये संभव नहीं है कि अगर मान लीजिए इतना ही स्थानीय मुद्दा हो, जो 5 महिलाओं ने नई पिटीशन डाली उसमें ये है कि वो पूजा करना चाहती है, तो अगर वाकई में ये मामला सिर्फ पूजा अर्चना का, तो उसमें कोई भी रास्ता निकाला जा सकता है कि भाई ठीक है, एक हिस्से में हम यहाँ पर इतनी सी जगह ये है, यहाँ पर पूजा भी हो जाएगी, नमाज इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही मामला कानूनी बनता है वैसे ही चीजें राजनीतिक हो जाती हैं। तो जो लोग इसमें अपनी आस्था वास्था की बात कर रहे हैं वो बेबुनियाद बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक आस्था दूसरे को पूजा करते देखकर आहत होती है तो वो आस्था नहीं हो सकती, वो सिर्फ पाखंड होगा। तो इस पाखंडत्व से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस समय हम इसको दूसरी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि ना बनने दें और कोशिश की जाए कि इसको स्थानीय स्तर पर इसका हल निकाला जाए। यहीं पर एक मुद्दा आता है पूजा स्थल अधिनियम 1991 का, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और जब ये कानून है तब ये क्यों, ये मामला कोर्ट तक क्यों गया? क्या ऐसे मामलों को लेकर के कानून की सीमा होती है कि सब कुछ कानून से सॉल्व नहीं हो पाएगा? देखिए ऐसा है कि आप और मैं भी, हमें हमेशा ये जानना चाहिए कि कानून की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है। हमारे घरों में कोई झगड़ा हो जाए और कोई मान लीजिए दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, मेरा और मेरे भाई का झगड़ा हो जाए, और मैं बिना अपने परिवार में बात किए कोर्ट केस कर दूं, तो उसकी स्थिति क्या होगी? हमेशा कानून, जो हमारे देश में कानून का परसेप्शन है वो अच्छा नहीं है। हम कानून से झगड़े नहीं सुलझाते, हम अपने समाज में बैठकर बातचीत से झगड़े सुलझाते हैं। ठीक है, तो कानून का मामला जब भी आता है तो याद रखिए, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो गांधी हो, यहाँ तक कि नेहरू भी हो, वो एक बात कहते हैं कि कानून तो बहुत अच्छा, संविधान भी बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन ये संविधान और ये कानून या कोई भी कानून तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आपकी नैतिकता ठीक नहीं होगी, जब तक आपका समाज ठीक नहीं होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में रखकर 1991 के कानून को देखना चाहिए। अब 1991 का कानून क्या है? 1991 का कानून ये कहता है कि किसी भी धर्म स्थल का जो भी उसकी उसका अपना चरित्र है उसको बदला नहीं जा सकता, और उसके लिए वो एक तारीख तय करता है, 15 अगस्त 1947। वो कानून ये कहता है कि जो भी पूजा अर्चना उस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को उस विशेष स्थल पर चल रही थी वही उसका धर्म होगा, ताकि आगे और पीछे के जो विवाद है उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब इसमें, इस कानून में दो एक्सेप्शंस थे या दो अपवाद थे। एक अपवाद जो कि जग जाहिर है क्योंकि एक कानून 91 में आया था, उस समय बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को लेकर बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे, तो इस कानून ने बाबरी मस्जिद को उससे एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी ये कानून बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि आंदोलन पर लागू नहीं होगा। एक दूसरा एक्सेप्शन बहुत दिलचस्प था और जिस पर कि मुझे लगता है कि कभी बात ही नहीं हुई है। मेरी जो पहली किताब है उसमें इस कानून की लिमिटेशंस और इस कानून को लेकर जो राजनीति हुई है बाबरी मस्जिद में, उसके ऊपर बहुत चर्चा है। और जैसे कि, और मैंने क्योंकि किताब अंग्रेजी में लिखी थी इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोगों ने पढ़ी होगी किताब, वाह वो हिंदी में होना चाहिए था, लेकिन ये है। और उस जगह जो मेरा तर्क है वो ये है कि दूसरा अपवाद 1991 के कानून में था वो ये था कि ये कानून जो एंशंट और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिन प्राचीन और संरक्षित इमारतों को मॉन्यूमेंट्स मानता है, स्मारक मानता है, उन पर लागू नहीं होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये क्या है। एंशंट का मतलब प्राचीन है और संरक्षित का मतलब प्रोटेक्टेड है। अगर कोई बिल्डिंग या कोई भी रुइंस जो 100 साल के पुराना हो और वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की लिस्ट में हो तो वो एक प्राचीन स्मारक माना जाएगा तकनीकी तौर पर। इसी तरह से अगर कोई इमारत जो कि लिस्ट में हो और जिसकी बचाव या देखभाल की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर रहा हो, उसको हम कहेंगे संरक्षित स्मारक।
संरक्षित स्मारक अगर जिस दिन डेट ऑफ नोटिफिकेशन बहुत अहम होती है, जिस दिन वो इमारत एएसआई या पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आई, उस दिन उसमें जो भी पूजा अर्चना चल रही होगी उसी से उसका मजहबी चरित्र तय किया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए जिस दिन एएसआई ने उस बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया, वहां नमाज चल रही थी, तो वो बिल्डिंग मुस्लिम बिल्डिंग मानी जाएगी, और अगर वहां पूजा अर्चना चल रही थी तो उस इमारत को हम हिंदू इमारत मानेंगे। अगर मान लीजिए उस दिन कुछ भी नहीं चल रहा था तो वो इमारत डेड मॉन्यूमेंट मानी जाएगी, यानी वो इमारत एक, जिसे कहा जाए कि एक सेक्युलर इमारत मानी जाएगी जिसमें पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। यहीं पर मामला आता है कि लेकिन इसके बावजूद एएसआई के जो नॉर्म्स है, एक तो होता है बड़ा कानून, फिर होते हैं बायलॉज, और कुछ होती हैं ऐसी कायदतें जो आप केस टू केस बेसिस करते हैं, तो कुछ इमारतों पर एएसआई जो है वो पूजा अर्चना की इजाजत दे सकता है। जैसा कि अगर मैं कहूं दिल्ली की सफदरजंग की जो मस्जिद है वहां पर नमाज की इजाजत दी गई 1984 में, हालांकि वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन के दिन वहां नमाज नहीं हो रही थी। इसी तरह से अभी जम्मू रीजन में एक पुराना मंदिर था जहां पर की पूजा की इजाजत दी गई और आर्मी ने उसे प्रोटेक्ट किया। तो एएसआई जो है वो केस टू केस बेसिस पर आपको इजाजत दे सकता है वहां पूजा अर्चना करने की। अब यहीं पर एक टेक्निकल बात आती है, तकनीकी पक्ष आता है, और वो ज्ञानवाफी वाली बहस से जुड़ता है कि मान लीजिए एक जगह पर एक इमारत जो है वो संरक्षित मॉन्यूमेंट है या एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, और क्योंकि 1991 वाला कानून उस पर लागू नहीं होता, तब उसका चरित्र तय करने की जिम्मेदारी जो है वो आ जाएगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने मैंडेट के हिसाब से उसका चरित्र तय कर सकता है और वहां इजाजत दे सकता है पूजा अर्चना या नमाज की। तो इसीलिए ये इस कानून की सबसे बड़ी पेचीदगी है, जिसका कि हमें ये मानकर चलना चाहिए राजनीतिक उपयोग दुरुपयोग जो भी है वो हो सकता है। दूसरी अहम बात वो ये है, जैसे आपने शुरू में भी कहा कानून से मसले थोड़ा ही हल होते हैं। अगर मान लीजिए ये कानून बन गया और जिस तरह से भाजपा ने 1991-92 में पार्लियामेंट के अंदर, उस जमाने में उनके 120 के आसपास में एमपीज थे, जिस तरह से उन्होंने संसद के भीतर इस कानून का विरोध किया था और जो तर्क दिए थे वो तर्क आज भी हैं, और आज दो एक दिन पहले भी जो संघ के लोगों ने या बीजेपी के लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू किया है उससे एक बात फिर जाहिर है। लेकिन सवाल यह है कि जो गैर भाजपाई दल, उन्होंने ये कैसे मान लिया कि कानून अपनी रक्षा अपने आप करता है, संविधान अपनी रक्षा, कानून अपनी रक्षा अपने आप नहीं करता, उसके लिए आपको सकारात्मक राजनीति की जरूरत होती है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में सकारात्मक राजनीति की कमी है। एक तो है कि बौद्धिकता की कमी है, जो हमारा राजनीतिक वर्ग है वो बौद्धिक रूप से बहुत कमजोर है, और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ कोई सकारात्मक राजनीति नहीं होती। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि हम जब भी इस तरह का कोई जो चैलेंज आता है तो हम कानून के आड़ में छुप जाना चाहते हैं। जैसे बिल्ली वाला मामला है कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है कि एज इफ के कोई चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार राजनीति में नहीं होते, और गांधी इसका सबसे सटीक उदाहरण। जब उनको पकड़ा गया और उनको कहा गया कि ठीक है आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है हम आपको गिरफ्तार करते हैं, आपको ये करते हैं, गांधी ने कहा लेकिन आपके कानून के हिसाब से आप मुझे कर सकते हैं, लेकिन मेरे भगवान का जो कानून है, जो मेरी नैतिकता है, वो इस कानून से बड़ी है। तो वही नैतिकता की बात अंबेडकर के लेखन में मिलती है, वही बात जो गांधी में मिलती है। उसको लेकर अब जो बहुत सारे लोग आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि भाजपा के पास में एक भारत का विचार है जिसको वो नया भारत कहते हैं, और ये पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है, लेकिन गैर भाजपाइयों के पास में वो गांधी नेहरू जैसी चीजें हैं। याद रखिए गांधी जी का जो आइडिया ऑफ इंडिया था वो तो नेहरू जी ने 1952 में उसको दरकिनार कर दिया, और नेहरू जी का जो आइडिया ऑफ इंडिया था उसको कांग्रेस ने 1991 में दरकिनार कर दिया। अब पता नहीं कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है जो सुनील खिलनानी की किताब का नाम है, लोगों ने रट लिया है, लेकिन उसके साथ में जो इंगेजमेंट होना चाहिए वो नहीं। अब एक बात ये आती है कि बहुत सारे मतलब लोग कहते हैं, आप एक इतिहासकार होने के नाते बताइएगा, कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ करके मुस्लिम शासकों ने शासन किया, ये एक तरह का लोक धारणा है जी। तो इस लोक धारणा को कैसे एक नागरिक इसको कैसे देखे, वो इससे कैसे जूझे? देखिए ये लोक धारणा
नहीं, पहली बात तो ये कि मैं हमेशा एक चीज में फर्क करता हूँ, एक चीज होती है अतीत और एक चीज होती है इतिहास। अतीत को हम सभी जीते हैं, लेकिन इतिहास अतीत को जानने का सिर्फ एक तरीका है। जैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आपके पहले अध्यापक कौन थे, तो एक तस्वीर आपके दिमाग में आएगी और आप महसूस करेंगे कि वो कौन थे, और आप उनको महसूस करके जीना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपसे मैं पूछूं कि किस सन में थे, उसकी तारीख क्या थी, तो आप इतिहासकार बन जाएंगे और आप फिर तय करना शुरू कर देंगे कि किस सन में आप कौन सी क्लास में थे और वो टीचर आपको कब और कहाँ पढ़ाते थे। तो उसके बाद में क्या होगा कि एक सीरीज ऑफ चीजें आपके साथ में आती चली जाएंगी और आप जो है वो इतिहास की नजर से सच को तलाशने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, इसीलिए हमारे देश को ना, हमारे देश के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते थे अंग्रेज इतिहासकार, और वो ये कहते थे कि तुम इतिहास से अनभिज्ञ हो, तुम्हारे यहाँ इतिहास नहीं लिखा जाता। अब सवाल ये है कि क्या वाकई जरूरी है इतिहास को लिखा जाना? इतिहास बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इतिहास से सच नहीं निकाला जा सकता। जैसे मैं, अगर आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे पीछे का देख पा रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा, मैं आपके पीछे का देख पा रहा हूं, आप नहीं देख पा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि हम दोनों एक ही समय में मौजूद होने के बावजूद भी अपने अपने वेंटेज पॉइंट से एक दूसरे को, एक दूसरे की दुनिया को देख रहे हैं। तो जब हम अपने आज को नहीं पूरी तरह से जान सकते, तो इतिहास को कैसे जान पाएंगे? पहली बात तो ये। अब सवाल आता है हिंदू मंदिरों को तोड़ने का। अब यहाँ देखिए, जो मध्यकाल है, अब ये फिर एक इतिहासकार की नजर से अगर मैं देखता, तो जो मध्यकाल है या मध्यकालीन भारत है, ये पहली बात तो प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक काल का जो बंटवारा है, ये दरअसल अंग्रेजों ने करके दिया, और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये बंटवारा बिल्कुल सही है। अब इस बंटवारे में परेशानी, हमने इसको धर्म के आधार पर जोड़ दिया। ऐसा लगता है कि हिंदू और बुद्धिस्ट युग जो है वो हमारा प्राचीन था, मध्यकाल इस्लामिक था, और आधुनिक आधा जो था वो ब्रिटिश था यानी ईसाई था, और आधा जो है वो अब हमारा आधुनिक काल है। ये बिल्कुल गलत है ऐसा बयान करना, इस तरह से मानकर चलना कि धर्म के आधार पर इतिहास को बांटा जा सकता है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो मध्यकाल पर वापस लौटते हैं, क्योंकि आपका सवाल वहां से जुड़ा हुआ है। देखिए, मध्यकाल में, मध्यकाल को हमें आज की नजर से नहीं देखना चाहिए। जो राजनेता या राजा या शहंशाह या बादशाह जो होते थे, वो हम चुनते नहीं थे। बहुत बेसिक सी बात है, हम चुनते नहीं थे, वो निरंकुश थे, उन पे कोई अंकुश नहीं होता था। लेकिन उनको अपनी वैधता बनानी होती थी, तो वैधता अपनी कैसे बनाते? धर्म के आधार। तो वो सभी लोग, चाहे वो कोई सा भी राजा हो, वो अपनी वैधता जो है वो धर्म के आधार पर बनाता था, पहली बात। और उसका पहला जो दृष्टिकोण होता था, शक्ति को लूटना होता था, वो लुटेरा होता था। वो कोई हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका पहला जो है वो धर्म के आधार पर अगर राजनीति करेगा, तो वो धर्म नहीं मानेगा, पहली बात। वो आस्थावान आदमी नहीं है। याद रखिए, अशोक से लेकर औरंगजेब तक, और जितने भी राजपूताने की ढेरों कहानियां हमारे सामने आती हैं, ये सभी लोग अपने भाइयों को, पिता को ये मारते मूरते थे। ये एक आम बात है और आज तक है भाई। अभी नेपाल में कुछ साल पहले हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। तो राजनीति में परिवारों का अंत होना एक साधारण सी बात है। तो जो राजा अपने घर के लोगों को मार रहे हैं, उनको मंदिर तोड़ने से कौन रोक सकता है, या मस्जिदें तोड़ने से कौन रोक सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये, उस राजनीति का वहां पर नियम था कि अगर आपको अपना आधिपत्य जमाना है, तो आपको मंदिर या मस्जिद तोड़ना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि आपका जो धर्म है या आपकी ताकत और मेरा खुदा आपके धर्म से ज्यादा मजबूत है, नहीं तो वो शासक ही शासन ही नहीं कर सकता। इसका आम लोगों का क्या था कि आम लोग इतने बेवकूफ थे। मान लीजिए कि औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़ा बनारस में, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? अगर हम ये मानकर चलेंगे कि औरंगजेब मुसलमान था और बाकी लोग हिंदू थे, तो हम उस जमाने के हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। एक और बात हम देखते हैं कि मस्जिद की जगह मंदिर दिखता है, विहार या मठ की बात की जाती है। मतलब जो धार्मिक स्थल होते हैं उसको तोड़ने के बाद कोई धार्मिक स्थल ही दिखता है। क्या ऐसा कहीं मिलता है कि महल को तोड़ करके धार्मिक स्थल बनाया गया हो? बहुत सारी जगह पर ऐसा भी हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि वो तोड़कर धार्मिक स्थल पर धार्मिक स्थल क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको ये साबित करना है कि आपका भगवान मेरे खुदा से कमजोर है, इसलिए बहुत सारे ज्यादातर जगहों बौद्ध पर, बौद्ध हाँ, मठों का उदाहरण मिलता है मठों का कि भी ये किया जाएगा। तो भाई वो तो पॉलिटिकल कल्चर है,
अब अगर हम देखें जो आज थोड़े दिन पहले आपके यहाँ पर भी इस पर काफी चर्चा हुई, न्यूज क्लिक पर और कई और जगह पर भी चर्चा हुई कि जो काम कई जगह पर बीजेपी करती है पुलिस का इस्तेमाल, वही काम दूसरी पार्टियां भी जब उनके राज्यों में सरकारें बनती हैं, जो बग्गा वाला केस था कि हाँ कोई तो मतलब ये तो पॉलिटिकल कल्चर हो गया ना, कि जैसे ही आपके हाथ में सत्ता आई आपने वही काम करने शुरू कर दिए जो कि आप जिनका विरोध कर रहे थे। तो ये पॉलिटिकल कल्चर होता है, राजनीतिक संस्कृति होती है। तो उस जमाने में मंदिर मस्जिद का तोड़ा जाना, ऐसा नहीं है कि मस्जिदें नहीं तोड़ी गई हैं भाई, ये जो कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद है दिल्ली में ये भी तो कई बार कई जगह से तोड़ी जा चुकी है। तो ये कहना कि मंदिर मस्जिद जो है वो मजहबी आधारों पर तोड़े या बनाए जाते हैं गलत होगा, इसको देखना चाहिए स्थानीयता के लेवल पर। मैं बार बार ये कहता हूं कि आप उन हिंदुओं का क्यों अपमान कर रहे हैं। अगर जो परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि संघ का इतिहास बड़ा अजब इतिहास है, ये बराबर हिंदुओं को ये ताना दे रहा है कि तुम हार गए, तुमको हरा दिया। नेहरू इस मामले में साफ है, वो ये कहते हैं कि हिंदू कभी हारे ही नहीं क्योंकि हिंदुओं की लड़ाई नहीं हुई, वो राजाओं की लड़ाइयां थी, उसमें कुछ राजा मुसलमान थे कुछ राजा हिंदू थे। इसी वजह से नेहरू के फ्रेमवर्क में शिवाजी का सेलिब्रेशन भी हो सकता है और शाहजहां और अकबर का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, लेकिन इनके फ्रेमवर्क में दिक्कत यह है कि शिवाजी का सेलिब्रेशन तो होगा लेकिन अगर हम सावरकर की किताब पढ़ें तो उसमें शिवाजी कमजोर राजा माना जाएगा, महाराणा प्रताप कमजोर राजा माना जाएगा। तो ये अगर हम इसको धर्म के आधार पर देखेंगे तो हम उस जमाने के हिंदुओं का और आज के हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। और अगर हम इसको मुसलमानों पर आरोपित कर कर देखें तो इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी वो बारबेरिक जो कुछ लोग बारबेरिक थे जो मुस्लिम शासक वास्तव रूप में हिंदू विरोधी रहे होंगे, उनका प्रतिनिधित्व मैं मुसलमान होने के नाते नहीं करता और ना ही उन कमजोर हिंदू शासकों का प्रतिनिधित्व एक आम हिंदू करता है। तो ये मूर्ख बनाने वाली बातें जो है, अगर हमारे पास में परिपेक्ष नहीं होगा तो हम इसी तरह इसमें उलझे रहेंगे। अगर मंदिर साथ में है और मस्जिद साथ में है, तो मंदिर में पूजा हो, मस्जिद में नमाज हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये दिक्कत तो इनकी ये देखिए, ये दिक्कत उसको नहीं होगी जो आस्थावान है, लेकिन जो पाखंडी है उसको दिक्कत होगी। ठीक है, मैं आपको फिर अपना उदाहरण देता हूं। मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है, और मेरे साथ जानने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुसलमान ना हो, और मेरे ज्यादातर दोस्त जो हैं वो मुसलमान नहीं है, जिनके घरों पे मैंने नमाज पढ़ी है। मैं सरस्वती पूजा के अंदर पूजा भी करता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी मतलब मेरा इस्लाम खतरे में नहीं आता। जब मेरे बच्चे पूजा करते हैं या मैं पूजा करता हूँ या मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसमें कोई क्योंकि वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखना चाहेंगे तो आपको हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, मैं कुर्ता पहनूं आप शर्ट पहने तब भी झगड़ा हो जाएगा। तो ये जब तक हम इसको आस्था के साथ देखेंगे, वाकई में गांधी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर वाकई आपकी आस्था है तो झगड़ा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, अगर मेरे अंदर आध्यात्म है तो मुझे पूजा करने वाला व्यक्ति बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बात और बताऊं, तबलीगी जमात के जो लोग हैं जब वो दिल्ली से बाहर जाते हैं, दिल्ली से बाहर मतलब ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर कि मुसलमान नहीं है और उनको खाना खाना है, तो उनको ये सख्त हिदायत है कि भाई आप किसी वैष्णव ढाबे में जाइए, वो वैष्णव ढाबे में ही खाना खाते। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको उनकी आस्थाओं पर यकीन है कि वो वैसा करेंगे। और ये आम हिंदू आम मुसलमान ऐसी ही तो जिंदगी बिताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे इतना ग्लैमराइज कर दें कि उनमें झगड़ा नहीं होता, झगड़ा भी होता है, लेकिन वो जो हमारे यहाँ जो एटीट्यूड है ना साथ रहने का, वो सेकुलर एटीट्यूड उसको नहीं कहना चाहिए। उस एटीट्यूड का मतलब है लिविंग टुगेदर सेपरेट। आप अपनी जगह रहिए, मैं अपनी जगह रहूंगा, मैं आपकी इज्जत करूंगा आप मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन हम झगड़ा भी नहीं करेंगे, अलग अलग रहेंगे हम, आपका डोमेन अलग होगा मेरा डोमेन अलग होगा। और ये मजाक की बात लग रही है भाई, ये इस्लामोफोबिया की नजर से हिंदुस्तान मत देखिए, यहाँ पर तो इस्लाम हिंदुस्तान का मजहब है। यूरोपियन देशों में तो इस्लाम गया है, वहां पर तो एलियन मजहब है, नए नए लोग गए हैं वहां पर, हमारे यहाँ तो इस्लाम हिंदुस्तानी मजहब। तो एक मजहब के लोग और दूसरे मजहब के लोगों ने साथ जिन चीजों जिन परंपराओं को ये किया है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर आप ये अपनी बात खत्म करूंगा भाई, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। इंसान की जिंदगी में दो ही चीजें बड़ी अहम होती है, एक उसकी शादी और एक उसके घर में किसी की मौत। ठीक है, हमारे यहाँ जो रिवाज है शादी के, उसमें से आप सिर्फ निकाह हटा दीजिए तो हमारे यहाँ के हिंदू, दिल्ली के हिंदुओं,
जो, और दिल्ली के हिंदुओं का मतलब दिल्ली के जो खास हिंदू रहने वाले हैं, पुरानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, शाहजहानाबाद की, उनके रिवाजों में और मुसलमानों के रिवाजों में कोई फर्क नहीं है सिवाय निकाह के और फेरों के। इसी तरह से जब कोई मरता है तो उसको जलाने और दफनाने के अलावा कोई ऐसा रिवाज नहीं है जो एक सना। हमारे सर्वेक्षण ये बताते हैं कि हिंदुस्तान के 97% लोग, और ये केवल हमारा CSDS का सर्वेक्षण नहीं है, ये अभी पीयू का सर्वेक्षण भी है जो अभी थोड़े दिन पहले आया है, इसमें 97% भारतीय कहते हैं कि अच्छा हिंदू वो नहीं हो सकता जो भारत में मौजूद दूसरे धर्मों का सम्मान न करे, और मुसलमान ये कहते हैं कि अच्छा मुसलमान वो नहीं हो सकता जो दूसरे धर्मों का सम्मान न करे। ये एक पॉजिटिव साइन है, इस पे पॉजिटिव राजनीति करने की जरूरत है, और वो जिम्मेदारी मेरी आपकी नहीं है, वो तो हमारी राजनीतिक वर्ग की जिम्मेदारी है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। आपसे अंतिम सवाल कि अगर ऐसे मुद्दे उछल के चले आते हैं सामने, तो नागरिक समाज का विपक्ष इस मुद्दे पर कैसी प्रतिक्रिया दे कि मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना मिले और जो जरूरी मुद्दे हैं वो सामने चले आएं? देखिए अभी क्या हो गया है, कुछ सालों में प्रोटेस्ट की जो राजनीति उसको इस तरह से पेश किया गया है जैसे कि प्रोटेस्ट करना बहुत बुरी चीज है। तो अब ये एक आम धारणा बन गई है कि अगर आप आंदोलनकारी हैं, आंदोलनजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो मुझे लगता है कि एक आम धारणा बनती चली जा रही है, आंदोलनों के प्रति लोगों की सहानुभूतियां नहीं। लेकिन किसी ने भी सकारात्मक राजनीति करने के लिए किसी को रोका नहीं है। अभी तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है कि आप कोई अच्छी बात करें और आपकी बात को रोक दिया जाए। अभी भी जो नागरिक समाज जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसे स्पेसेस मौजूद हैं, ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां पर कि आप सकारात्मक राजनीति कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दो तीन उदाहरण दिए हैं इस चीज के। अगर ऐसा कोई ज्ञानवाफी ऐसा मुद्दा आता भी है तो उसके उस पर थोड़ा संयम की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर हम उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं। देखिए आम लोग जो होते हैं बेचारे, वो उनके पास में तर्क तो होते हैं, भाषा नहीं होती उनको। ये नहीं आपके आप और मैं ही बात इतनी समझदारी की कर रहे हैं कि आम आदमी से भी आप बात करेंगे तो वो इस भाषा में इस बात को नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी बात कह देगा और वो कहेगा कि ये सब थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो आम जो लोग हैं उनको भाषा की जरूरत होती है, उन्हें तर्कों को अपने एक नए, जिसे कहा था टेम्पलेट अंग्रेजी में कहते हैं, कि उसको एक ढांचे की जरूरत होती है जिसमें रखकर वो अपनी बात को पेश कर सके। हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराना सबसे आसान काम, लेकिन हिंदू मुसलमान साथ रह सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग आपको लगाने के लिए बहुत कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए जरूरत जिस चीज की है वो ये है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर देखें कि लोग कैसे साथ रहते हैं, और अगर हम साथ रहने की बात शुरू करें तो फिर उसमें दूसरा पक्ष आता है कि उनकी वो क्या चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ती हैं। और इसीलिए आर्थिक समस्याएं जो हैं वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब यहाँ पर ये हो गया है, याद रखिए हमारे देश में जो राजनीति हो रही है ये तो दिखावे की राजनीति है जो इस समय हो रही है, कि भाई मंदिर मस्जिद ये तो एक, जिसे कहा जाता है, एक ओझल करने वाली राजनीति है। लेकिन इसके पीछे पीछे जो बड़ी राजनीति है वो राजनीति है असमानताओं को छुपाने की राजनीति। याद रखिए भारत सरकार मनमोहन सिंह के जमाने में ये हुआ कि हम गरीबी के बारे में थोड़ा सा अपना नजरिया बदले, और ये बात भारत के मिडिल क्लास को लगातार समझाई जाने लगी कि हम गरीब देश नहीं है। सबसे पहली चीज मनमोहन सिंह सरकार ने ये की कि कोशिश करके उन्होंने इस बात को पूरा साबित करने की कोशिश की कि भाई भारत में जो गरीबी का पैमाना है नापने का वो गड़बड़ है, बहुत सारी रेखाएं, गरीबी रेखाएं, ये वो तक है, तेंदुलकर कमेटी बनी वगैरह वगैरह। अब जो मौजूदा सरकार है वो एक कदम आगे बढ़ गई और उसने ये कहा कि हमें अब वो आंकड़े इकट्ठे नहीं करती है, हमारे पास में भारत में कितने गरीब हैं ये आंकड़े तक नहीं है। और उसके इसका कारण क्या है, राजनीतिक वर्ग ये मानकर चल रहा है कि अमीरी और गरीबी की जो लड़ाई है, अमीरी और गरीबी का जो भेद है वो अनइम्पॉर्टेंट है, और लोगों को कितना चाहिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए, चाहे वो मनरेगा जैसी नीतियां हो या फिर अभी जो उज्ज्वला जैसी स्कीम्स हो, चाहे वो यूपी की स्कीम्स हो, चाहे वो अभी एनडीए वाली स्कीम्स हो, इसमें ले देकर जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि आप मरे नहीं, आपको कुछ इतना दे दिया जाए कि आप मरे नहीं। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो असमानताएं इतनी बढ़ रही हैं, जो अमीर हैं और अमीर हो रहे हैं, और जो मिडिल क्लास है वो उधार में जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं। अब इसमें जब तक हम अमीरी और गरीबी के बीच पड़ती खाई की बात नहीं करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा कहीं कोई राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है।
हर राजनीतिक दल जो है नौकरियां, अरे नौकरियां का क्या मतलब है यार, नौकरी का मतलब नहीं है, असमानता का मतलब। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आर्थिक असमानताओं को छुपाने के लिए मंदिर मस्जिद की दिखावे की राजनीति की जा रही है। शुक्रिया। बहुत अगर बहुत आपको हमारी बातें ठीक लगती हैं तो आप न्यूज क्लिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।